कार्यक्रम के अवसर पे समिति के आदरणीय अध्यक्ष भाई मुलायम सिंह यादव जी भाई कमलेश यादव जी संतू पहलवान जी हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय सत्यनारायण राजभर जी लोकगीत गायक कलाकार समाजवादी पार्टी के नेता सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व मंत्री कवि व गायक भाई यादवनी विजयलाल यादव जी बक्सर से चल के आए हम लोगों के साथी भाई ओम प्रकाश यादव जी गायक कलाकार मंच पर बैठे हमारे सभी साथी भाई सुभाष जी जमुना विश्वकर्मा जी शशिकांत भारती जी अशोक भाई संदीप भाई राकेश प्रसाद जी सभी साथीगण सामने बैठे सभी सम्मानित बाबा के अनुभ सम्मानित आदरणीय बुजुर्गों नौजवान दोस्तों प्यारे बच्चों आज इस शुभ अवसर पर कुछ कहने से पहले दहित्रा बाबा के बहुत बहुत नमन बंदन अभिनंदन करता हूँ उनका स्वागत करता हूँ कमेटी के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको बधाई भी देता हूँ कि आज उन्होंने आपके बीच में आने का मौका दिया मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ बधाई देता हूँ गायक कलाकार जिनका आपके बीच में हमेशा स्नेह प्यार मिलता है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है जब भी आपकी आवाज़ जाती है हमेशा पार्टी के लिए नेता के लिए विजय लाल भाई तो बैठे हम अपने नेताओं से कार्यकर्ताओं से भी कहा करते हैं कहीं न कहीं इनके आदर्शों इनके चरित्रों पे आपको हमको सीख भी लेना चाहिए अभी पहले भी चुनाव था जब हम लोग आयमगढ़ में चुनाव हारे थे उपचुनाव में आज भी चुनाव था लेकिन एक तरफ भाई खड़ा था एक तरफ हमारा नेता खड़ा था ले ऐसा वफादार सिपाही भाई के रिश्ते को दूर हटा के नेता के रिश्ते को कामयाब रख के भारी मतों से विजयी दिलाने का काम किया अपने गीतों के माध्यम से जहां हमारे गायक कलाकार पूरे हिंदुस्तान में जाके समाजवादी झंडा को लहराने का काम करते आज इस मंच पर बैठे हैं मैं इनका एक गायक कलाकार के ही नाते नहीं अपने बड़े ही मजबूत साथी के नाते इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इनका धन्यवाद करता हूँ आज आपके बीच में चूंकि लोकगीत के सुनने के लिए आप आए हैं मैं आपका समय जाया नहीं करना चाहता हूं लेकिन आपके आशीर्वाद से आपकी कृपा से हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन थोड़ी सा हम लोगों की और मेहनत हो गई होती दस बीस सीटें जो कम पड़ गई नहीं तो हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का काम ले मैं बधाई देना चाहता हूं कि जहां आपने समाजवादी पार्टी को पूरे हिंदुस्तान में तीसरे नंबर की पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने आशीर्वाद से पहले नंबर की पार्टी बनाया है मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं बधाई देना चाहता हूं आपसे निवेदन भी करना चाहता आपके बीच में बहुत रोड़ा नहीं बनना चाहता मगर आपके आशीर्वाद के कुछ होने वाला नहीं है अभी कमलेश भाई कह रहे थे आपका आशीर्वाद नहीं होता तो शायद हम लोग पंद्रह साल के बाद समाजवादी पार्टी का खाता खोले हैं चंदौली में हम लोगों को भरोसा है हमारे नेता को भरोसा है और उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद भी है हम लोगों को लगता है कि यही हम लोग अगली बार भी आए थे बाबा का आशीर्वाद मिला था आपने विधानसभा में चौथी बार जिता के भेजने का काम किया था आज भी भरोसा हम लोगों को है कि जिस तरह आपसे ने लोकसभा में बड़ी ताकत बनाने का काम किया है आने वाले दिनों में किसान गरीब नौजवान बेरोजगारों देश प्रदेश की खुशहाली के लिए बाबा की कृपा होगी आपका आशीर्वाद होगा दो में आप दोबारा माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनाने का काम करेंगे मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूं कमेटी के लोगों ने मौका दिया इनके आशीर्वाद से आपके बीच में आपके कार्यक्रम का उद्घाटन करने का मौका मिला मैं अपने गीत गायक कलाकार साथियों को आपके मनोरंजन के लिए गीत के शुभारंभ की अनुमति देते हुए आपका बहुत बहुत स्वागत तो और धन्यवाद करते हुए बधाई देते हुए अपनी बाणी को विराम देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद दैत्र बाबा की जय हो जय भीम जय भारत जय समाजवाद धन्यवाद